खबर जनपद चमोली से है, जहां काना तोली चोपता तुंगनाथ मोटर मार्ग की मांग को लेकर आज मेयर मोहन खाल में अधिवेशन किया गया, जिसमें सड़क की मांग को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। आयोजित अधिवेशन में संपूर्ण क्षेत्रीय जनता और काना तोली चोपता तुंगनाथ संघर्ष समिति ने निर्णय लिया कि आगामी 13 अगस्त को मोहन खाल के क्रमिक धरना दिया जाएगा और 22 अगस्त को गैरसैंण भराड़ी शेड़ में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय मानसून सत्र में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। सबसे पहले इसमें ये रणनीति तय की गई कि हम कल परसों 13 तारीख से लगातार ये धरना रखेंगे और 22 तारीख को हम मुख्यमंत्री जी से या गैरसैंण में मिलने जाएंगे, एक मतलब चुनाव करेंगे या मतलब एक कमेटी मिलने जाएगी और तब तक ये धरना हो रहेगा जब तक हमारे चुप मार्ग खुलता नहीं। प्रदर्शन हुआ बल्कि लोगों का एक मेल मिलाप हुआ है, लोगों ने एक सहमति बनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये एक फॉरेस्ट रोड था, 12 किलोमीटर के लगभग बना हुआ था और वन विभाग के लिहाज से भी, क्योंकि ये जो पूरा एरिया वन विभाग का है ये बहुत ही यहाँ पर समृद्ध वन है, हमारे वन्य प्राणी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर जो जो हमारा पक्षियाँ हैं एक बहुत ही समृद्ध परंपरा की पक्षियाँ हैं, तो इनको बचाने के लिए वन विभाग को भी, हमारा तो ये कहना है कि वन विभाग को इस वन क्षेत्र को देखने के लिए, इस क्षेत्र की देखभाल करने के लिए जो जिस पर्पज से ये 12 किलोमीटर रोड बनाया था उसको और आगे बहुत पहले बना देना चाहिए था और हम इसी मांग के साथ वन विभाग ने, क्योंकि ये रोड अपनी वन भूमि की सुरक्षा के लिए, वन संपदा की सुरक्षा के लिए इस मार्ग को पूरा नहीं बनाया, हम आंदोलन करने जा रहे हैं कि वन विभाग जागे और अपनी वन भूमि, अपने वन्य क्षेत्र, अपने अभयारण्य क्षेत्र, अपने वन्य जीवों और अपने पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए इस रोड को आगे बढ़ाए। इसकी आगे की रूपरेखा हमारी ऐसी है कि 13 तारीख से हमारे धरना प्रदर्शन शुरू होगा, 13 तारीख 11 बजे से हमारा धरना शुरू हो जाएगा और 22 तारीख को हमारा गैर अगर माने यहाँ पे इसके धरने के पश्चात कोई भी अगर अधिकारी और कर्मचारी ये जो राजनेता है अगर हमारी बातें सुनेंगे नहीं तो 22 तारीख को हमारा गैरसैंण कूच का कार्यक्रम है।